हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फिगर के अंदर एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है एक दूसरे के और अलग अलग एंगल का मेज़र दिया गया है। बस हम लोगों को एक्स का वैल्यू यानी एक्स कितना डिग्री का होगा ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ ए बी और सी डी के पैरेलली जो है सो लाइंस ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस एंगल का नाम दे देते हैं एंगल वन और इस एंगल का नाम दे देते हैं एंगल टू, ठीक है। एक और पैरेलल लाइन खींचना है, वो यहाँ से ड्रॉ करना है। ये लाइंस ड्रॉ हो गया, इस एंगल का नाम थ्री दे देते हैं और इसका फोर दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब है एंगल वन और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल्स होगा। तो अल्टरनेट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल वन हो गया हमारा 20 डिग्री का, ठीक है। अब टोटल ये था 50 डिग्री का एंगल, तो इसमें से एंगल वन हो गया 20 डिग्री का। तो एंगल टू का मेज़र क्या हो जाएगा, एंगल टू का मेज़र हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल टू 30 हुआ और एंगल थ्री कितना होगा ये जानना है। तो आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो दोनों लाइन पैरेलल है और ये जो है लाइन ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल यानी एंगल टू और एंगल थ्री ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच जो एडजेसेंट एंगल बनता है, उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब ये है कि एंगल टू और एंगल थ्री का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल टू है 30 डिग्री, तो एंगल थ्री हो जाएगा 150 डिग्री का। तो ये हो गया इसका मेज़र। अब एंगल फोर, अब देखिए, आप देखिए कि इस पॉइंट से टोटल तीन एंगल्स बना हुआ है, ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट पे अराउंड, मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ जितना भी एंगल्स बन जाए, सब एंगल का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो ये एंगल और एंगल थ्री और एंगल फोर तीनों एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल थ्री है 150, ये एंगल है 80, तो एंगल फोर कितना हो जाएगा, एंगल फोर इक्वल्स 360 माइनस 80 प्लस 150 इक्वल्स 360 माइनस 230 इक्वल्स 130। तो एंगल फोर हो गया 130 डिग्री का एंगल फोर, ठीक है। अब हम लोगों को एक्स फाइंड करना है। तो जैसा कि एंगल टू और एंगल थ्री वाले सिचुएशन था, दोनों ये दोनों का सम 180 हो रहा था क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री था, उसी तरह एंगल फोर और एक्स का सम हो जाएगा कितना 180, क्योंकि ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल फोर और एक्स का सम हो जाएगा 180। तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 130, मतलब हो गया ये 50 डिग्री का, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स हो गया 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।